नमस्कार दोस्तों, जेनी पिकल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बनाएंगे करोंदे का अचार। ये करोंदे खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही खट्टे होते हैं, तो ये विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और इनका अचार जो बनकर तैयार होता है वो खाने में बहुत ही स्वाद लगता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं करोंदे का अचार। सबसे पहले हम इन करोंदों को साफ पानी में अच्छे से साफ करेंगे और इनके ऊपर जो भी गंदगी है उसको अच्छे से धोकर साफ करेंगे। और फिर उसके बाद हम इनको अच्छे से सुखा लेंगे, क्योंकि करोंदे का अचार बनाने से पहले इनके अंदर पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, करोंदों को हमने अच्छे से साफ कर लिया और इनका पानी निकाल लिया है। अब हम इन करोंदों को एक साफ कपड़े के ऊपर फैलाएंगे और अच्छे से सुखा लेंगे, जिससे कि जो भी इनका एक्स्ट्रा पानी है वो इनके ऊपर से हट जाए और वो सूख जाए। ये देखिए, ये सारे करोंदे हमारे बिल्कुल अच्छे से सूख चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हर एक करोंदे को ऐसे बीच में से कट करके और इस तरीके से इसके दो दो पीसेस करने हैं। ये देखिए, ये सारे करोंदे आपके कट चुके हैं। वैसे तो हमने ये सारे करोंदे अचार के लिए कच्चे कच्चे लिए थे, तो इनमें बीज कम है, लेकिन ये देखिए जो बड़े बड़े पीसेस हैं इसके बीच में ये जो बीज है, अगर ये आपको अच्छा ना लगे खाने में तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो मोटे मोटे पीसेस हैं उसमें से आपको बीज भी निकालने हैं। ये देखिए, जिनके बीज निकालने थे हमने निकाल लिए हैं, मोस्टली कच्चे पीसेस ही हैं। ये आपके ऊपर है कि आप इनका बीज निकालना चाहते हैं या नहीं। अब हम इसको एक घंटे के लिए धूप में सुखाएंगे, सिर्फ इसका मॉइस्चर खत्म करना है, ज्यादा इनको नहीं सुखाना है। तो आइए इनको धूप में सुखाते हैं। ये देखिए, इन करोंदों को हमने एक घंटे के लिए धूप में रखा था और जो इनका मॉइस्चर है वो बिल्कुल सूख चुका है। इनको आपने ज्यादा नहीं सुखाना है वरना अचार आपका टाइट हो जाएगा। तो अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। सबसे पहले हमने ली है ये सौंफ। अब आप क्वांटिटी का रेशो देख लीजिए, ये 200 ग्राम करोंदे हैं। 200 ग्राम करोंदे में हमने 2 बड़े चम्मच सौंफ लिया है और इसको हमने अच्छे से रोस्ट करके फिर पीसा है। तो अब ये 2 चम्मच इसमें हम सौंफ डालेंगे। उसके बाद हमने ये ली है 1/2 चम्मच मेथी, इसको भी हमने रोस्ट करके पीसा है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने नमक लेना है, इसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये है 1/2 चम्मच हल्दी। अब हम इनको मिक्स करेंगे। और ये हमने लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। इस सरसों के तेल को आपने पहले बॉईल करना है और फिर उसके बाद ठंडा करके हम इसको यूज करेंगे। ऑयल हम इसमें थोड़ा कम ही लेते हैं, ये हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है। और जब हम इसको धूप में रखेंगे 2 दिन के बाद 1 बड़ा चम्मच ऑयल हम इसमें फिर से डालेंगे। अभी हम थोड़ा कम ही रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक साफ बर्नी लेंगे, जो कि बिल्कुल साफ होनी चाहिए और सूखी हुई होनी चाहिए, और इसको इस बर्नी में डालेंगे। ये देखिए, ये सारा हमने मिक्सचर इस बर्नी में डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से बंद करके 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये करोंदे का अचार अब हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल गल चुका है। ये देखिए, अब हम इसको सर्व करेंगे। करोंदे का चटपटा अचार, खट्टा और चटपटा अचार बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसको आप पराठे के साथ, पूड़ी के साथ या कैसे भी सर्व कर सकते हैं। ये मसालेदार अचार बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों खाने में, तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।